लाखों के ज्वेलर्स में निकला पीतल ही पीतल, ज्वेलर्स और ग्राहक में जमकर विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन जनपद के कोच में लवली चौराहा के पास एक ज्वेलर्स और ग्राहक में जमकर विवाद हुआ, जिसका लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक राजा भैया पटेल नाम के व्यक्ति के परिजनों ने काफी साल पहले कोच के महेश ज्वेलर्स के यहाँ से सोने के लाखों के आभूषण बनवाए थे। इनके यहाँ से बने हुए आभूषण में से जब उसने एक जंजीर दूसरे ज्वेलर्स के यहाँ गलवाई तो उसमें पीतल ही पीतल निकला, जिसको लेकर ग्राहक ने हंगामा किया और क्या कुछ कहा है सुनिए। मामला ये था कि 21 नवंबर 2007 में मेरे पिताजी ने पूरा जेवर बनवाया था महेश सोनी इंदौरी वाले, ठीक है। तो पूरा जेवर जब मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने उस जेवर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया, वो हमारा जेवर रखा रहा। और आज मुझे लगा कि मुझे एक जंजीर जो मेरी शादी में मुझे मिली थी, मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, उस जंजीर को एठापे की जंजीर थी, और एठापे की जंजीर को हमने दूसरे सोने के यहाँ बात की, जो हमारे साड़ी भाई हैं उनके लड़के की शादी है, उनने 17 लाख का वहाँ जेवर बनवाया था। तो इसके बाद उसी के यहाँ ये अपनी जंजीर लेके गए, हमने कहा भाई ये एठापे की जंजीर है, इसको हमें चेंज करवानी है और इसमें नई डिजाइन की कोई अच्छी सी जंजीर हमें लेनी है, और इसका जो भी बने वो अपना काट लीजिएगा और इसके बाद हमें जंजीर दे दीजिएगा। तो उसने हमारी बात से सहमत होके उसने वो जंजीर हमारी रख ली और नई डिजाइन उसने हमें दिखाना स्टार्ट की, तो मैंने जो भी पसंद आई मैंने उसको पसंद कर लिया और ले ली जंजीर। और इसके बाद वो बोला भाइयों इसको हम पहले चेक करवाएंगे, इसके बाद आपकी जंजीर हमारी होगी। तो उसने हमारे सामने ही वो जंजीर गलवाई, जब वो उसको गलवाया तो वो प्योर पीतल निकला। जब वो पीतल निकला इसके बाद हमारी बुद्धि खराब हुई, तो मैं सीधा गया पुराने सोने जो 21 नवंबर 2007 में महेश सोने की हमने बनवाया था जीवन, उसके आप गए, तो वो इस चीज़ से कहने से इनकार है कि ये जंजीर मेरी है ही नहीं, और वो एक्चुअली जंजीर रही नहीं, वो तो हो गया तामा। तो कह रहा है कि हमारी नहीं है। अब इसके बाद मैंने कहा तो जो जेवर आपने चढ़वाया मतलब बनवाया था शादी में, वो जेवर हमारे पास है, उस जेवर को आप गलाइए, और उस जेवर में अगर 80% 85% में जो कोच में वापसी चलती है 85% अगर उसमें माल निकलता है आप हमारी वापसी लीजिए। अच्छा वो 80 कह रहा है कि 80 में हम वापसी लेंगे, पहली चीज 5% कहाँ जाएगा, और 85% में अगर ये वापसी ले भी लेते हैं तो इसको हम कह रहे हैं इसमें कोई भी दो चीज़ें गलवा दीजिए, और दो चीज़ें गलवाने का जो भी नुकसान होगा हम देंगे, अगर वो सोना निकला तो, और अगर उसमें पीतल निकलती है तभी तो हम सहमत होंगे कि ये जंजीर भी आप ही की है, और अगर पीतल निकलती है तो इसमें पूरा फ्रॉड कर रहे हैं महेश सोनी, जो एक बार पहले से भी बेकार हो चुके थे, घर से भाग गए थे, जैसे 4 साल मृत घोषित कर दिया था 2007 के बाद भागे थे 2009 में शायद, ठीक है, और 4 साल बाद ये वापसी होके आ गए हैं। तो ये इनकी फ्रॉड करने की जो आदत है वो 2009 से है, आज से नहीं, और इसके पहले इनकी छवि बहुत अच्छी थी, हमारा पूरा गांव आता है, 2007 के पहले का रिकॉर्ड अगर आप देखिए तो मेरा पूरा परिवार इनके यहाँ जुड़ा था, लेकिन एक्चुअली आज हमारे पिताजी नहीं है, और इसके बाद ये जेवर है जिसमें पूरा टोटल फ्रॉड हुआ है। अच्छा इन्होंने क्या आश्वासन दिया फिर आपको? इन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि 6 बजे मेरा बात बात हुआ था, तो 7 बजने को है, और 7 बजे इन्होंने कहा था कि हम आप हमारे यहाँ आइए, हम आपका गलाएंगे और आपको 80% के रुपए देंगे, तो पहले तो हमें 85% के रुपए चाहिए, और इसको गलाने के बाद अगर ये सोना निकलता है तो मुझे कोई बुराई नहीं है, जो पीतल है वो हमारी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और अगर ये भी पीतल निकलती है तो इसका भुगतान वही करेंगे, हम थोड़ी करेंगे इसका, मैं तो आज से 14 साल 13 साल पहले कर चुका, हर जेवर का भुगतान कर चुका, मेरा कोई आजकल लेना देना भी नहीं है, लेकिन आज जेवर जिसने बनाया उसकी जिम्मेवारी बैठती है कि 85% में वो वापसी करे, और जो भी हमारी ये हुआ है ये किसी और के साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए आप इस चीज़ को देखें।